वेलकम टू यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी शानदार चल रही होगी, आपकी तैयारी शानदार चल रही होगी। आज हम लोग देखेंगे पेरिस ओलंपिक के बारे में, जो 2024 में फाइनल हुआ है। अभी 33वां ओलंपिक था ये। इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान के ओलंपिया शहर से 776 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। ओलंपिक खेल कहाँ से स्टार्ट हुआ था? यूनान के ओलंपिया शहर से 776 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। सेकेंड पॉइंट है, आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई? 1896 ईस्वी में। आधुनिक इस समय जो चल रहा है उस खेल की शुरुआत कब हुई? 1896 ईस्वी में यूनान के एथेंस शहर में हुई थी। कहाँ हुई थी? यूनान के एथेंस शहर में हुई थी। इसका आयोजन कब हुआ? प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। 24 में हुआ है तो 28 में होगा नेक्स्ट वाला। इस समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डिमिट्रियास विकलास यूनान के थे तथा वर्तमान में कौन से नंबर के हैं? वर्तमान में 9वें अध्यक्ष चल रहे हैं, जिनका नाम क्या है? थॉमस बॉक, जो कहाँ के स्थित हैं? जर्मनी के। थॉमस बॉक हैं जो जर्मनी के स्थित हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IOC कहते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल की स्थापना 23 जून 1894 ईस्वी में सखोना में हुई थी, सखोन में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? लुसाने, जो स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड के लुसाने में इसका मुख्यालय स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन थी? नीला अंबानी, नीता अंबानी, जो अंबानी परिवार की हैं। ओलंपिक ध्वज का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था? 1920 के एंटवर्प ओलंपिक खेलों में किया गया था। ये कहाँ पर हुआ था? ये बेल्जियम में हुआ था। ओलंपिक मशाल जलाने की शुरुआत कब हुई थी? 1928 में हुई थी। कहाँ हुई थी? एमस्टर्डम, जो कहाँ स्थित है? नीदरलैंड। ओलंपिक से हुई थी एमस्टर्डम नीदरलैंड में, जो 1928 का ओलंपिक हो रहा था उसमें मशाल जलाने की शुरुआत हुई थी। 23 जून को क्या मनाया जाता है? ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। और ये दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई? 1948 से हुई। ये दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई? 1948 से ये दिवस मनाने की शुरुआत हुई। नेक्स्ट है टीवी पर ओलंपिक खेलों का पहला प्रसारण वर्ष कब है? यानी टीवी पर ओलंपिक खेलों का प्रसारण कब से होने लगा? तो 1960 से होने लगा। कब? ये उस समय खेल कहाँ हो रहा था? रोम इटली में हो रहा था। जो प्रसारण हुआ था वो खेल कहाँ का था? रोम इटली में हो रहा था। ध्वज के मध्य में कितने चक्र स्थित होते हैं? 5 चक्र स्थित होते हैं, जो 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। जो क्या करते हैं? महाद्वीपों को दर्शाते हैं। 5 नहीं 6, टोटल 6 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। 6 महाद्वीप कौन कौन से हैं? छह महाद्वीप आपके नीचे भी है। आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिए, जो रेड चक्र है, वैसे तो आपके पास 6 महाद्वीप हैं तो 6 चक्र होने चाहिए थे, लेकिन जो रेड चक्र है वो आपके अमेरिका व दक्षिण अमेरिका, यानी साउथ अमेरिका दक्षिण अमेरिका दोनों को दर्शाता है, इसलिए आपके 5 चक्र बनाए गए हैं। कौन सा कलर किस चक्र को दर्शाता है ये हम देखते हैं। नीला चक्र जो है वो यूरोप को दर्शाता है, हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है, पीला चक्र एशिया को दर्शाता है, लाल चक्र उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका, जो लाल चक्र है उत्तरी अमेरिका को भी दर्शाता है और दक्षिणी अमेरिका को भी दर्शाता है, काला चक्र अफ्रीका को दर्शाता है, अब इसको आप ऐसे याद करने का अपने हिसाब से कोई ट्रिक वगैरह बना लीजिएगा। अफ्रीका के रोग काले पाए जाते हैं इसलिए काला चक्र है यहाँ पर, ठीक है। और यूरोप रोप, पीछे से आप करिए रोप, पानी को रोपा जाता है, तो पानी किस कलर का होता है? हल्का नीला, समुद्री नीला, इसलिए नीला चक्र यहाँ पर है। हरा ऑस्ट्रेलिया आपका नीचे पाया जाता है, नीचे यानी पृथ्वी, और पृथ्वी में हर चीज़ें हरी हरी होती हैं इसलिए हरा चक्र है। एशिया आपका बचा, एशिया के लोग पीले होते हैं, पीला चक्र। और उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका यहाँ पर दो हैं, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, तो जहाँ पर ज़्यादा खतरा होगा, ज़्यादा लोग होंगे, तो खतरे को लाल कलर से दिखाते हैं इसलिए लाल चक्र हो गया। नेक्स्ट आप देखिए अंटार्कटिका पर मानव नहीं रहते इसलिए ये शामिल नहीं है। अंटार्कटिका को नहीं दिखाया गया है। 7 महाद्वीपों में 6 को दर्शाया गया है, 7वीं को नहीं दर्शाया गया है। अंटार्कटिका को नहीं दर्शाया गया है। क्यों नहीं दर्शाया गया है? क्योंकि यहाँ पर
मानव नहीं रहते, इसलिए इनको नहीं शामिल किया गया है। एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीतने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के तैराक खिलाड़ी कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका के तैराक खिलाड़ी माइकल फ्लेप्स हैं। माइकल फ्लेप्स गोल्डन शार्क इनका उपनाम है। माइकल फ्लेप्स का उपनाम क्या है? गोल्डन शार्क है। ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक जीते थे। कितने स्वर्ण पदक जीते थे? 8 स्वर्ण पदक जीते थे। ध्यान रखिएगा इनका नाम क्या है, माइकल फ्लेप्स हैं, जो एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले व्यक्ति बन गए हैं। और इनका उपनाम क्या है, गोल्डन शार्क है। इन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक जीते थे। भारतीय ओलंपिक परिषद की को मान्यता कब दी गई, 1924 में, और इसकी स्थापना वर्ष क्या है, 1927 में स्थापना हुई और 1924 में इसको मान्यता मिल चुकी थी। भारतीय ओलंपिक परिषद के सर दोराबाजी जमशेद जी टाटा इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ध्यान रखिएगा प्रथम अध्यक्ष कौन थे, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, सर दोराबाजी जमशेद जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, वर्तमान अध्यक्ष पीटी उषा जी हैं। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, पीटी उषा जी हैं। ध्यान रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की वर्तमान अध्यक्ष कौन है, पीटी उषा जी हैं, इसको ध्यान रखिएगा। भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन है, नॉर्मन प्रीचार्ड जी हैं, जो एंग्लो इंडियन है, जो क्या है, एंग्लो इंडियन है। अब ध्यान रखिएगा ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है, मेरी लीला राव है। भारत में ओलंपिक खेलों में अब तक कितने 10 स्वर्ण पदक जीते, जिनमें 8 हॉकी टीम ने 10 8 कितने जीते किसने जीते हैं 8 हॉकी टीम ने जीते हैं। इसके अलावा अभिनव बिंद्रा कहाँ जीते हैं, अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी में, नीरज चोपड़ा जेवेलियन भाला फेंक से संबंधित हैं, ने स्वर्ण पदक जीते हैं। यानी 8 टोटल 10 थे, 10 में से आपके 8 हॉकी टीम ने जीत लिए, एक अभिनव बिंद्रा जी ने जीत लिया निशानेबाजी में, और एक नीरज चोपड़ा ने जीत लिया भाला फेंक में। ओलंपिक खेलों में महिला खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, महिला खिलाड़ियों की भागीदारी कितनी है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। इनकी भागीदारी बढ़ती जा रही है। 1900 में आप देख सकते हैं 2.2 थी, 1900 में कितनी है, 2.2 है। 1952 में आप देखिए 10.5% है, जो कि बढ़ गई 1952 में 10.5 हो गई, 10.5% हो गई, और 1976 में 20.7 हो गई, 1976 में 20.7 हो गई, 1996 में 34% हो गई। देखिए कितना बढ़ रही है, कितनी तेजी से बढ़ रही है महिला खिलाड़ियों की संख्या। और 2004 में कितनी हो गई, 40.7% हो गई, 2024 में 50% हो गई। इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 1900 में कितनी थी, 2.2%, 1952 में कितनी थी, 10.5%, 1976 में 20.7%, और 1996 में 34%, 2004 में 40.7%, 2024 में 50%। यानी इस समय जो भागीदारी है 50% पुरुषों की है, 50% महिलाओं की है, जो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ दोनों को बराबरी का अधिकार दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं भविष्य में होने वाले ओलंपिक खेल हैं उनके बारे में देखते हैं। ये आपका मेन पॉइंट है, भविष्य में होने वाले ओलंपिक खेलों के बारे में हम देखते हैं। भविष्य में कितने ओलंपिक खेल होने वाले हैं, कहाँ कहाँ होने वाले हैं। तो 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कब होगा, 2028 में होगा, क्योंकि अभी आपने देखा कि प्रत्येक 4 साल के अंतराल में होते हैं। जो 2024 में अभी हुआ है वो 33वां था, अब 2028 में होगा वो 34वां होगा। T20 क्रिकेट भी इसी में शामिल होगा। और 2028 का कहाँ होगा, लॉस एंजल्स कहाँ स्थित है, अमेरिका में, लॉस एंजल्स में होगा। लॉस एंजल्स में 1932 व 1984 के बाद ये तीसरी बार 2028 में मेज़बानी करेगा। यानी लॉस एंजल्स इससे पहले दो बार कर चुका है, 1932 में एंड 1984 में, अब ये थर्ड बार करेगा 2028 में, जो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 35वां ग्रीष्मकालीन, अभी देखा था आपने 34वां, जो पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, ये सब आपके इंपॉर्टेंट ही हैं, इधर वाले जिनमें स्टार मार्क्स है वो इंपॉर्टेंट है। 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कब हुआ, कहाँ होगा, 35वां हो चुका है, 34वां होने वाला है 2028 में,
पैंतीसवां 28/4/32 2032 में होगा। कब होगा, कहाँ पर होगा, ब्रिस्बेन। कहाँ पर स्थित है ये, ऑस्ट्रेलिया में होगा। शीतकालीन ओलंपिक 2026 का कहाँ होगा, शीतकालीन ओलंपिक 2026 का कब होगा, वो ग्रीष्मकालीन चल रहे थे, ये शीतकालीन है, मिलान और कार्टिना डी अम्पेजो इटली, यहाँ पर होगा ये। नेक्स्ट देखते हैं, शीतकालीन ओलंपिक 2030 का कब होगा, अभी कौन सा था, अभी जस्ट कौन सा था, 2026 का शीतकालीन ओलंपिक, अभी कितना कहाँ का था, 2026 का शीतकालीन ओलंपिक, अभी 2026 का था। अब हम देखेंगे 2030, 26/4/30, ये भी 4-4 साल के अंतराल में हो रहे हैं शीतकालीन वाले भी, ये कहाँ पर होंगे, 2030 वाले फ्रेंच आल्प्स फ्रांस में स्थित है, यहाँ पर होगा 2030 का शीतकालीन। और शीतकालीन में आप इसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 2026 वाला ध्यान रखिएगा। शीतकालीन ओलंपिक 2034 का कहाँ पर होगा, यूटा। यूटा कहाँ पर स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। यूटा कहाँ स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूएसए में पाया जाता है। अब आ जाइए 33वां, अब हम किस पे आएंगे, 33वां पेरिस ओलंपिक 2024, जिससे हमारे क्वेश्चन आने की संभावना है। आयोजन तिथि कब से कब तक हुआ, 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक। आयोजन तिथि इसकी कब से कब तक है, 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक। आयोजन स्थल क्या है, ये तिथि थी जो 26 जुलाई से 11 अगस्त तक चला है, और इसका आयोजन स्थल क्या है, पेरिस फ्रांस में हुआ है, फ्रांस के पेरिस में ये आयोजित हुआ है। पेरिस 1900 और 1924 के बाद, पेरिस 1924 के बाद तीसरी बार 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करेगा। पेरिस कौन सी बार कर रहा है, तीसरी बार ही मेजबानी करने वाला बन गया। संस्करण कौन सा था, 33वां था। संस्करण कौन सा था, 33वां था। उद्घाटनकर्ता कौन थे, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों थे। इमैनुअल मैक्रों जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। खेल और अन्य स्पर्धाएं, कितनी खेल इसमें शामिल थे, 32 खेल थे इस पर, 329 खेल और स्पर्धाएँ कितने हैं, 32 और 329। कुल एथलीट कितने थे, 10,714। कुल एथलीट कितने थे, 10,714। कुल देश कितने थे, 206। कुल देश कितने थे, यहाँ से पूछा जा सकता है, कुल देश 206। चार नए देश शामिल किए गए, ब्रेकिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग और सर्फिंग। और कौन सा, सर्फिंग। चार खेल नए शामिल किए गए, कितने खेल नए शामिल किए गए, यहाँ से पूछा जा सकता है, चार खेल नए शामिल किए गए, ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और स्केटबोर्डिंग और सर्फिंग। ठीक है, शुभंकर क्या है, फ्रिज, ओलंपिक फ्रिज। फ्रिज क्या है, एक टोपी नुमा संरचना है, टोपी जैसा है ये, रेड ब्लू और वाइट, तीन रंग इसमें पाए गए हैं। रेड ब्लू और वाइट जो रंग है, ये कहाँ के फ्लैग में पाया जाता है, फ्रांस के फ्लैग में पाया जाता है। छोटी फ्रीजियन टोपियों पर आधारित है, फ्रांसीसी क्रांति का प्रतीक है। कौन, ओलंपिक फ्रिज, फ्रिज जो इसका शुभंकर है वो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ओलंपिक फ्रिज और पैरा ओलंपिक फ्रिज। ओलंपिक फ्रिज और पैरा ओलंपिक फ्रिज का आदर्श वाक क्या है, अकेले हम तेजी से आगे बढ़ते हैं लेकिन साथ मिलकर हम आगे बढ़ते हैं। अकेले हम तेजी से आगे बढ़ते हैं लेकिन साथ मिलकर हम आगे बढ़ते हैं। मोटो क्या था इसका, गेम्स वाइड ओपन। उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे, भारत के कौन कौन थे, पीवी सिंधु और शरद कमल। पीवी सिंधु बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं और शरद कमल टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। समापन कार्यक्रम में ध्वजवाहक कौन है, समापन कार्यक्रम में ध्वजवाहक हैं मनु भाकर और पीआर श्रीजेश। मनु भाकर समापन कार्यक्रम, उद्घाटन में कौन है, पीवी सिंधु और शरद कमल, और समापन में कौन है, उद्घाटन समापन ध्यान रखिएगा, उद्घाटन में पीवी सिंधु और शरद कमल, समापन में है मनु भाकर और पीआर श्रीजेश। भारत के सेफ डी मिशन का प्रमुख जिसको बोला जाता है, ये कौन है, गगन नारंग। डिप्टी सेफ डी मिशन कौन है, शिव केशवन। सेफ डी मिशन गगन नारंग, डिप्टी सेफ डी मिशन शिव केशवन। ओलंपिक लॉ पेरिस ओलंपिक आधिकारिक तौर पर चीन के सन इंगसा द्वारा फ्रांसीसी तैराक लियोन मर्चेंट की ओलंपिक लॉ बुझाने में मदद करने के साथ पेरिस ओलंपिक का समापन हुआ। ठीक है,
सर्वाधिक गोल्ड किसने जीते हैं? लियोन मर्चेंट ने जीते हैं। सर्वाधिक गोल्ड किसने जीते हैं? तो लियोन मर्चेंट ने जीते हैं। सर्वाधिक गोल्ड किसने जीते हैं? लियोन मर्चेंट ने जीते हैं। भारत की ओलंपिक टीम का मुख्य परियोजक क्या है? अडानी समूह। मुख्य परियोजक कौन है? अडानी समूह है। ओलंपिक टीम का मुख्य परियोजक अडानी समूह। सबसे युवा भारतीय रेफरी कौन है? साई अशोक। सबसे युवा कौन है? साई अशोक, जो पेरिस के हैं, ओलंपिक में मुक्केबाजी स्पर्धा के रेफरी हैं। ओलंपिक में मुक्केबाजी स्पर्धा के रेफरी हैं कौन? साई अशोक, जो भारतीय रेफरी, सबसे युवा भारतीय रेफरी माने गए हैं। ओलंपिक आर्डर से सम्मानित कौन है? अभिनव बिद्रा जी। ओलंपिक आर्डर से सम्मानित कौन है? अभिनव बिद्रा जी। भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे उम्र दराज एथलीट कौन है? रोहन बोपन्ना, जो संन्यास ले चुके हैं 44 साल की उम्र में, भारत से उम्र दराज एथलीट बन चुके हैं रोहन बोपन्ना जी। भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे कम उम्र यानी युवा कौन है, युवा एथलीट कौन है? तैराक हैं धी निधि देश सिंधु, 14 साल, जिनकी उम्र क्या है? 14 साल। उम्र दराज पूछेगा रोहन बोपन्ना, युवा पूछेगा तैराक धी निधि देश सिंधु। भारतीय एथलीट दल, भारत के 117 एथलीटों ने पेरिस ओलंपिक में उतरे थे, जिनमें 16 खेलों में 69 पदक स्पर्धाओं में हिस्सा लिया। जिन्होंने 16 खेलों तो 69 पदक स्पर्धाओं में हिस्सा लिया। टोटल 32 होते हैं, टोटल खेल कितने हुए थे? 32 हुए थे, जिसमें से 16 में भाग लिया था। 33वें पेरिस ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन क्या है, ये देखना है कि 33वें पेरिस ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन क्या है। 33वें पेरिस ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन क्या है? पेरिस ओलंपिक में भारतीय एथलीट ने कुल 6 पदक जीते हैं। 6 में स्वर्ण हमारे पास एक भी नहीं आया, 1 रजत आया है और 5 कांस्य आए हैं। टोटल कितने पदक जीते गए? 6 पदक जीते गए, जिसमें से 1 रजत है और 5 कांस्य है। स्वर्ण हमारे पास एक भी नहीं है। स्वर्ण से ही हमारी रैंक निर्धारित होती है, लेकिन हमारे पास स्वर्ण ना होने के कारण भारत की रैंक किस स्थान पर पहुंच गई? 71वें स्थान पर पहुंच गई। जबकि भारत की रैंक, पाकिस्तान की रैंक हमसे बेहतर है, क्योंकि वो 62वें रैंक पर, उसके पास ना कोई रजत है ना कोई कांस्य है, लेकिन उसके पास एक स्वर्ण है। स्वर्ण के कारण उसकी रैंक हमसे बेहतर हो गई। भारत टोक्यो ओलंपिक 2020 में 7 पदक। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कितने जीते थे? पेरिस ओलंपिक में 6 जीते कुल पदक, और टोक्यो ओलंपिक में कुल 7 जीते, 1 स्वर्ण 2 रजत 4 कांस्य, 1 स्वर्ण 2 रजत 4 कांस्य के साथ पदक तालिका में कौन से रैंक पे था? 48वें स्थान पे था। टोक्यो में 48वां रैंक है भारत का, 7 पदक जीते हैं। पेरिस में 71वां रैंक है भारत की, 6 पदक जीते हैं उसने। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में मेडल सूची, मेडल हमको देखना है। रैंक किसका है? फर्स्ट रैंक और भारत की रैंक, अमेरिका और भारत का ध्यान रखिएगा, बाकी पूछा नहीं जाएगा। फर्स्ट रैंक वाले को पूछा जाता है और हमारी रैंक पूछी जाएगी। तो हमारी रैंक, भारत की रैंक कितनी है? 71 है, जिसमें हमारे पास गोल्ड कितने हैं? 0 है, 0 हमारे पास कोई गोल्ड नहीं है। रजत 1 है, कांस्य 5 है, टोटल मिलाकर हमारे पास 6 पदक हो गए। वैसे इधर देखेंगे, अमेरिका के पास 40 स्वर्ण है, 40 स्वर्ण है मात्र अमेरिका के पास, 40 स्वर्ण है, 44 रजत है, 42 कांस्य है और कुल 126 हो गए। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ टोक्यो ओलंपिक 2020 लंदन 2012 के बाद ग्रीष्मकालीन खेलों में भारत का तीसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, यानी दो बार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन और रह चुका है भारत का। कहाँ कहाँ? टोक्यो ओलंपिक 2020 में और लंदन में जो हुआ था 2012 ग्रीष्मकालीन खेलों में। अमेरिका ने लगातार 6ठी बार 100 से अधिक पदक जीते हैं। कितनी बार? 6ठी बार 100 से अधिक पदक जीत लिए हैं। अमेरिका ने 19 बार पदक तालिका में शीर्ष रहने का रिकॉर्ड बनाया है। कितनी बार? 19 बार, 6ठी बार 100 से अधिक जीता है और 19 बार वो फर्स्ट रैंक पे आ चुका है। अमेरिका ने कुल पदकों में लिहाज से ओलंपिक इतिहास का अपना तीसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और लगातार 4थे ओलंपिक खेलों में टॉप पर अपनी जगह बनाई। अमेरिका ने कुल पदकों के लिहाज से ओलंपिक इतिहास में अपना तीसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, थर्ड, और लगातार 4थे ओलंपिक खेलों में टॉप पर अपनी जगह बना ली है। फर्स्ट गोल्ड मेडल जीतने वाली खिलाड़ी कौन सी है? लिहोंग सेन फर्स्ट गोल्ड मेडल जीतने वाली खिलाड़ी कौन है? लिहोंग सेन है। पुटिंग हुआंग है, जो शूटिंग खेल से संबंधित है, चीन के। लिहोंग सेन और पुटिंग हुआंग है, जो फर्स्ट गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी हैं।
भारत की पदक विजेता फर्स्ट नंबर पर कौन है? मनु भाकर है। मनु भाकर ने क्या जीता है? दो पदक जीते हैं, पदक इनका कांस्य है, दो पदक जीते हैं। मनु भाकर निशानेबाज से संबंधित है, हरियाणा राज्य से है, हरियाणा राज्य से है। वर्ष 2022 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित है, वर्ष 2022 में अर्जुन अवार्ड भी पा चुकी हैं मनु भाकर जी। मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल, ये ध्यान रखिए कितने मीटर एयर पिस्टल में, 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में, 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में 2024 में कांस्य पदक जीता है। दो कांस्य पदक जीते थे अभी आपने देखा, तो एक 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में और दूसरा 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में। मिक्स टीम में दो कांस्य पदक इन्होंने लाए हुए हैं। ये एक ही ओलंपिक में दो पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला निशानेबाज बन गई हैं, एक ही ओलंपिक में दो पदक जीतने वाली। पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक मनु भाकर ने जीता। पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता है? मनु भाकर ने जीता है। सेकेंड नंबर पर कौन है? सरबजोत सिंह। सेकेंड नंबर पर कौन है? सरबजोत सिंह। इन्होंने भी कांस्य पदक जीता है, खेल इनका भी निशानेबाजी है, ये भी हरियाणा राज्य से हैं। मनु भाकर भी हरियाणा राज्य से हैं, सरबजोत सिंह भी हरियाणा राज्य से हैं। मनु भाकर का भी खेल निशानेबाजी है और इनका भी खेल निशानेबाजी है। उन्होंने दो कांस्य पदक जीते हैं, इन्होंने एक कांस्य पदक जीते हैं। सरबजोत सिंह ने मनु भाकर के साथ पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में कोरिया को हराकर, किसको हराकर? कोरिया को हराकर कांस्य पदक जीता। सरबजोत ने पहला ओलंपिक पदक जीता है, सरबजोत ने अपना पहला ओलंपिक पदक जीता। भारतीय जोड़ी में 580 अंक जुड़ा है, भारतीय जोड़ी ने कुल कितने अंक पाए, कितने अंक जुड़ा है? 580 अंक जुड़ा है। स्वप्निल थर्ड पे कौन है? स्वप्निल कुसाले। थर्ड पे कौन है? स्वप्निल कुसाले। थर्ड पे कौन है? स्वप्निल कुसाले। स्वप्निल कुसाले जी थर्ड पे है। ये भी इनका भी पदक क्या है? कांस्य पदक है। इनकी भी खेल निशानेबाजी है, राष्ट्र इनका चेंज है, कोल्हापुर महाराष्ट्र की है, ये महाराष्ट्र के कोल्हापुर की है। स्वप्निल कुसाले 50 मीटर राइफल और ओपोजिशन इवेंट में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज बन गए हैं, पहले भारतीय निशानेबाज बन गए हैं। उन्होंने पुरुषों के फाइनल में 451.4 के कुल स्कोर के साथ कांस्य पदक हासिल किया है। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। ओलंपिक में पहली बार 2024 में डेब्यू किया है, पहले ही ओलंपिक में स्वप्निल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। भारतीय हॉकी टीम नंबर फोर्थ पे कौन है? भारतीय हॉकी टीम है। कौन है? भारतीय हॉकी टीम है। इसके बारे में देखते हैं, इनका भी पदक कौन सा है? कांस्य पदक है। खेल क्या है? हॉकी है। कप्तान कौन से थे हॉकी खेल के? हरमनप्रीत सिंह थे। भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक 2024 में स्पेन को 2-1 से हराकर कांस्य पदक जीता है। भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक 2024 में स्पेन को 2-1 से हराकर कांस्य पदक जीता है। भारत ने ओलंपिक में हॉकी खेल में रिकॉर्ड 13वां पदक लगातार संस्करणों में दूसरा कांस्य पदक जीता है, जबकि हॉकी टीम ने यह चौथा कांस्य पदक जीता है। पेरिस ओलंपिक 2024 में हॉकी खेल में स्वर्ण पदक नीदरलैंड टीम ने, जबकि रजत पदक जर्मनी टीम ने जीती। कांस्य पदक यहाँ आया तो बचा आपका स्वर्ण पदक, कहाँ गया? नीदरलैंड के पास गया। स्वर्ण पदक कहाँ गया? नीदरलैंड के पास गया। और रजत पदक किसके पास गया? जर्मनी टीम के पास गई। किसके पास गई? जर्मनी टीम के पास गई। ठीक है, आगे हम देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक में हॉकी में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम ने म्यूनिक 1972 के बाद से 52 साल में पहली बार हॉकी में लगातार दो ओलंपिक पदक जीते हैं। भारतीय हॉकी टीम के ओलंपिक शतक देख लेते हैं। भारतीय हॉकी टीम के ओलंपिक शतक देख लेते हैं। इसने कब क्या जीता है ये आएगा नहीं, जानकारी के लिए आप देख सकते हैं। 1928 में स्वर्ण जीता था इन्होंने, 1928 में स्वर्ण, 32 में स्वर्ण, 36 में स्वर्ण, 48 में स्वर्ण, 52 में स्वर्ण, 56 में स्वर्ण, इधर लगातार आप देख सकते हैं स्वर्ण आया है। फिर 60 में रजत आया, 64 में फिर स्वर्ण आया, 68 में कांस्य आया, 72 में कांस्य आया, 84 में, 80 में स्वर्ण आया, 2020 में कांस्य आया, 2020 में कांस्य आया, 2020 में कांस्य आया, 2024 में भी इस बार भी हमारे पास क्या आया है? कांस्य पदक आया है। ठीक है, नंबर सिक्स पे कौन है? फाइव पे हॉकी टीम थी।
अब कौन है नंबर सिक्स, नंबर सिक्स पे कौन है, नीरज चोपड़ा। ये एकमात्र भारतीय जो गोल्ड और सिल्वर दोनों जीत चुके हैं। नीरज चोपड़ा एकमात्र भारतीय थे जो गोल्ड और सिल्वर दोनों पदक जीते हुए हैं। नीरज चोपड़ा इस वाले में रजत लेकर आए हैं, पेरिस ओलंपिक में क्या लाए हैं, रजत लाए हैं। खेल इनका क्या है, भाला फेंक स्पर्धा है। राज्य ये भी हरियाणा राज्य के हैं, ये भी हरियाणा राज्य के हैं। नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 89.45 मीटर, नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 89.45 मीटर के सीजन के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ रजत पदक हासिल किया है। नीरज स्वतंत्रता के बाद दो ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीट बन गए हैं। ठीक है, पाकिस्तानी भाला फेंक खिलाड़ी अरशद नदीम ने, पाकिस्तानी भाला फेंक खिलाड़ी क्या नाम है इनका, अरशद नदीम जो कहाँ के हैं, पाकिस्तान के हैं, 92.97 मीटर के थ्रो के साथ ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ने वाले स्वर्ण पदक जीता। नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीता है, नीरज चोपड़ा जी ने, और इन्होंने क्या जीता है, स्वर्ण जीता है। जबकि ग्रेनेडा के एंटरडम पीटर्स ने 88.54 मीटर के थ्रो के साथ कांस्य पदक जीता है। ठीक है, नंबर सिक्स पे कौन है, अमन सहरावत जी हैं। पदक इनका क्या है, कांस्य पदक है। खेल इनकी क्या है, कुश्ती है, ये भी हरियाणा राज्य के हैं। अमन सहरावत ओलंपिक इतिहास में पदक जीतने वाले भारतीय के 8वें पहलवान बने हैं। अमन सहरावत ओलंपिक इतिहास में पदक जीतने वाले भारत के 8वें पहलवान बने हैं। अमन सहरावत ने 57 किलोग्राम वर्ग के मुकाबले में म्यूटो रिको के पहलवान डार्पिन क्रूज को 13-5 के अंतर से हराकर कांस्य पदक जीता है। वर्ष 2008 के बाद सभी ओलंपिक में भारत ने हमेशा कुश्ती वर्ग के पदक जीते हैं। वर्ष 2008 के बाद सभी ओलंपिक में भारत ने हमेशा कुश्ती वर्ग के पदक को जीता है। नेक्स्ट देखते हैं, इन पहलवानों ने ओलंपिक इतिहास में भारत को पदक दिलाए, किसने दिलाया पदक उसके बारे में देखते हैं। केडी जाघव जो कांस्य पदक दिलाए हैं 1952 में हेंसली में, ये भी क्वेश्चन आपसे आएगा नहीं, लेकिन आप जानकारी के लिए जान सकते हैं, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। अमन सहरावत ये क्या लाए हैं, कांस्य पदक लाए हैं। ये क्या लाए हैं, कांस्य पदक लाए हैं 2024 के पेरिस ओलंपिक में। बाकी आप इन सबों को देख लीजिएगा एक बार। सुशील कुमार क्या लाए हैं, कांस्य पदक लाए हैं। सुशील कुमार रजत पदक एक बार लाए हैं, 2008 वाले में कांस्य पदक लाए हैं सुशील कुमार, 2012 वाले में रजत पदक लाए हैं। ओके, ईश्वर दत्त कांस्य पदक लाए हैं 2012 में। साक्षी मलिक कांस्य पदक 2016 में। रवि दहिया रजत पदक लाए हैं 2020 में। बजरंग पूनिया कांस्य पदक लाए हैं 2020 में टोक्यो खेल में। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत का ओलंपिक में पहला व्यक्तिगत पदक कांस्य पदक जीतने वाले कौन थे, केडी जाघव थे। कब जीते, 1952 में जीते, हेलसिंकी में जीता गया। कहाँ जीता गया, ये हेलसिंकी में जीता गया। भारत की तरफ से पहली भारतीय महिला कौन थी, कर्णम मल्लेश्वरी जी थी। क्या जीती हैं, ये कांस्य पदक जीती हैं। खेल इनका क्या है, वेट लिफ्टिंग है। 2000 का ओलंपिक था जब इन्होंने जीता था, ये सिडनी ओलंपिक है, 2000 का सिडनी ओलंपिक में इन्होंने जीता था। कर्णम मल्लेश्वरी जो पहली भारतीय महिला है भारत की तरफ से। ओलंपिक के बाद संन्यास की घोषणा करने वाले खिलाड़ी कौन कौन है उनके बारे में देख लेते हैं। विनेश फोगाट जी हैं जो 6 अगस्त 2024 को पेरिस ओलंपिक में महिलाओं की 50 किलोग्राम कुश्ती के सेमीफाइनल में विनेश फोगाट ने क्यूबा की पुसनेलिस गुजमैन को हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया था, प्रवेश कर लिए हैं। और 7 अगस्त 2024 को स्पर्धा पदक के लिए मुकाबला करने से पहले ही अधिक वजन, कितना वजन अधिक था इनका, 100 ग्राम वजन अधिक के कारण अयोग्य घोषित करार दिया गया। इसलिए विनेश फोगाट जी क्या ले रही है, संन्यास ले रही है। ठीक है, सेकेंड नंबर पे कौन है हॉकी गोल्ड पर पीआर श्रीजेश जी हैं। 2006 में भारत के लिए खेला था, कब खेला था, 2006 में भारत के लिए खेला था, पदार्पण मैच है। कुल 336 मैच भारत के लिए श्रीजेश ने खेले थे, पीआर श्रीजेश जी ने। और श्रीजेश टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीतने वाले टीम का हिस्सा थे। ठीक है, लियोन मर्चेंट ये फर्स्ट रैंक पे थे, स्पर्धा तैराकी है। देश इनका कौन सा था, फ्रांस था। पदक इनका क्या है, 4 गोल्ड 1 कांस्य। लियोन मर्चेंट ये फर्स्ट रैंक लिए हुए हैं। ठीक है, ओलंपिक में नोवाक जोकोविक का सफर क्या से कैसे है उसके बारे में देखते हैं।
ओलंपिक में हम देखेंगे नोवाक जोकोविक का सफर। 2008 में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, 2012 में ब्रॉन्ज मेडल के मुकाबले में हारे थे, 2016 में पहले राउंड में ही हारे, 2021 में ब्रॉन्ज मेडल के मुकाबले हारे और 2024 में गोल्ड मेडल लाए। हार से हमें कभी डरना नहीं चाहिए। देखिए उसके बाद इन्होंने सीधे गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं ये। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, लास्ट है ये, जॉर्जियाई शूटर नीनो सालुक वाजे ने लगातार 10वें ओलंपिक खेलों में भाग लेकर के 10वें ओलंपिक खेलों में भाग लेकर रच दिया इतिहास। ऐसा करने वाली वह विश्व की पहली महिला बनी। लोहार लाइन्स ने पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में स्वर्ण जीता है। अमेरिकी धावक ओवाह लाइन्स ने 2024 पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। 20 वर्षों में ऐसा करने वाले पहले अमेरिकी पुरुष बन गए हैं। यह दौड़ ओलंपिक इतिहास में सबसे करीबी दौड़ने में से एक थी जिसमें लाइन्स जमैका के किसन थॉम्पसन ने सिर्फ 0.005 सेकेंड आगे रहे। USA की कैटी लेडीकी ने सर्वप्रथम ओलंपिक पदक जीता, सर्वाधिक ओलंपिक पदक जीता है किसने जीता है, कैटी लेडीकी ने। कैलिया लेमोर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में अफ्रीका का पहला जिम्नास्टिक स्वर्ण जीता है। आप किसी भी एग्जाम को दीजिए, पेरिस ओलंपिक से क्वेश्चन जरूर आते हैं और इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। पेरिस ओलंपिक के सारे क्वेश्चन इसमें कवर हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।